तो आज से दोस्तों इस चैनल पे एक भी चूतिए गेम नहीं आएंगे, सारे के सारे HD और PC के गेम खेलना स्टार्ट करूंगा। अगर आपको भी ये सब गेम में इंटरेस्ट है तो आप भी हमारा वीडियो आज से देखना स्टार्ट कर दो भाई। ऐसी बात नहीं है कि ये गेम फोन में नहीं चलेगा, ये गेम फोन में भी चल सकता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको आप इंस्टॉल करके इस गेम को खेल सकते हो। तो इस गेम को आपको फोन में कैसे खेलना है उसका भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा और अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहां से जाके पूरा देख के स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो कि आप ये वाले गेम कैसे अपने मोबाइल में चला सकते हो। तो दोस्तों ये पार्ट पहला है और हम यहाँ से इस गेम को स्टार्ट करने वाले हैं और ये सेम टू सेम यही गेम आपको मोबाइल के लिए भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना और इसके और भी हम पार्ट्स लेके आने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो स्किप कर दोगे ना तो आप बहुत सारी पजल भी मिस कर दोगे और फंस जाओगे गेम के बीच में, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों ये हमारा प्लेयर है, हमारे प्लेयर का नाम है क्रेटोस और इसमें बहुत ताकत है भाई, इतनी ताकत है दोस्तों इसमें कि ये गॉड से लड़ता है, भगवानों से लड़ता है, किसी से डरता नहीं चाहे कोई भी आ जाए सामने। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इसने 3-4 कुल्हाड़ी मार के पूरा पेड़ गिरा दिया। अब इससे आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि इसमें ताकत कितनी है। अब आपको थोड़ा सा मैं इसकी स्टोरी के बारे में भी बता देता हूँ ताकि अगर आपको इसके गेम की स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट होगा तो आप पूरा गेम खेलोगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्रेटोस होता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका एक लड़का भी होता है, वो एक्चुअली में गॉड होता है, मगर ना ही तो क्रेटोस को पता होता है ना ही उस लड़के को पता होता है कि वो एक्चुअली गॉड है। और क्रेटोस अपने लड़के को दुनिया में कैसे जीना है, सर्वाइव करने का तरीका बताता है। तो पूरे गेम में यही है, ये अपने लड़के को कैसे दुनिया में सर्वाइव करना ये सिखाता है। आप देख सकते हो पीछे मेरा भतीजा आ चुका है वहाँ पे कुछ पेड़ की टहनियाँ लेके। और भाई जो गॉड होते हैं ना वो कोई सा भी जानवर का रूप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ही सीन में आपने देखा होगा कि भाई क्रेटोस लकड़ी तोड़ रहा होता है, जैसे कि पेड़ तोड़ रहा होता है। मगर क्यों तोड़ रहा होता है, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन इसकी जो वाइफ है, इसकी जो बीवी है, उसकी एक्चुअली में डेथ हो गई होती है और उसको जलाने के लिए ये लकड़ी तोड़ रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमको अपना कंट्रोलर से हम इस गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि ये लकड़ी लेके हमको अपने घर पे जाना है और हमको फिर इसी लकड़ी को जलाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने गेम में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मुसीबतें भी बहुत बढ़ने वाली है। आप देख सकते हो इसके ग्राफिक देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार एकदम फाड़ू ग्राफिक है। यही सेम टू सेम ग्राफिक आप अपने मोबाइल में भी मिल जाएंगे, सेम टू सेम ग्राफिक। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे हाइड एंड प्लेस आएंगे जहाँ पे आपको मिलेगा नहीं और आप इस गेम में चक्कर मारते रह जाओगे, क्योंकि इस गेम का जो मैप है वो एक्चुअली बहुत बड़ा है। यहाँ से वहाँ पे आप भटकते रहोगे मगर आपको आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो ये अभी तो सिंपल सारे स्टेप होंगे, आपको दिखाया जाएगा कि आपको इस गेम को कैसे कैसे खेलना है, जैसे कि एक ट्यूटोरियल होता है ना वैसे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोर्ड में बैठा तो मेरे को बोला गया कि भाई बी दबाओ, मैं एक्चुअली कंट्रोलर से खेल रहा हूँ। अगर आप कंट्रोलर से खेल रहे होगे तो कंट्रोलर के जो बटन होंगे वो आपको छपके दिख जाएंगे, वो बटन आपको दबाने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे अभी ये जो रिवर है उसके सीधे सीधे जाना है। आपने देखा होगा ऊपर लिख के आ गया था कि आपको बस रिवर को फॉलो करना है और यहाँ पे जो हमारी मंजिल थी वहाँ पे हम आ गए और हम यहाँ से बोर्ड से नीचे उतर जा रहे हैं। दोस्तों ये गेम बहुत ही लंबा है, अगर लगातार मैंने इसको खेला तो कम से कम मुझे 18 घंटे इस गेम को एंड करने में लगा था। पूरा पहले मैंने गेम समझ लिया, पूरे जितने भी हाइड एंड पैलेस और जितने भी पजल्स थे उसको मैंने सोल्व कर लिया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे तो आप देख सकते हो दोस्तों क्रेटोस में कितनी ताकत है, इसने लकड़ी को ऐसे उठा लिया जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। देखो अब हमको लकड़ी को लेके जाना है अपने घर, यानी कि क्रेटोस के घर जाना है। वहाँ पे एक लाश पड़ी होगी इसकी बीवी की, उसको हमको जलाना है। जलाने के बाद से हमारा गेम स्टार्ट होगा तुरंत के तुरंत। जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ते जाओगे उस तरीके से भाई राक्षस भी बड़े बड़े आते जाएंगे। अभी तो गेम की शुरुआत है दोस्तों, अभी तो कोई मारापीटी हुई नहीं, मगर जैसे मारापीटी होगी आपका इंटरेस्ट इस गेम में बहुत ही बढ़ता जाएगा। अभी दोस्तों फिलहाल तो हमको इस लड़के को पीछे पीछे जाना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो दोस्तों सामने आ गया है हमारा झोपड़ा, इस झोपड़े में एक लाश पड़ी होगी, लाश है क्रेटोस की बीवी की, उसके वाइफ की है, ठीक है। पहले ही भी 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सामने भी बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी है, यहाँ पे हमको इस लकड़ी को सही से रखना है, वो बैकग्राउंड में होगा। फिलहाल यहाँ पे आप नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देख रहे हो कि एक ये जो लड़का है उसकी मम्मी के पास जाता है।
देखो भाई, ये लड़का थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे दरवाज़ा खोलेगा, आप तब तक थोड़ा धीरज बनाए रखेगा। देखो आगे ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, अभी आगे और भी जाएगा, मोमबत्ती भी उठाएगा। मोमबत्ती उठा के बहुत अंधेरा है इसलिए मोमबत्ती की ज़रूरत तो पड़ेगी, आप भी इतने समझदार हो ही। यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो मदर है वो डेथ उसकी हो गई है, और ये आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए आ गया है, क्योंकि ये इसकी अम्मी से बहुत प्यार करता होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी की सारी मोमबत्ती जलाया दी है इसने, देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही प्यार करता होता है अपनी मम्मी से। और यहाँ पे सारी की सारी और मोमबत्ती जला के ही मानेगा, एक भी मोमबत्ती छूटी ही नहीं आज, देख सकते हो दोस्तों, सारी मोमबत्ती जला दी। अब पता नहीं क्या करेगा, धीरे धीरे आप देखो आगे, आपको पता चलता जाएगा, मुझे भी नहीं पता, मैं भी लाइव ही खेल रहा हूँ। यहाँ पे पता नहीं 4-5 पत्तियाँ कहीं से तोड़ के लेके आया था जंगल से, और इसकी मम्मी पे इसने डाल दिए। अब भाई बहुत ही ये दुखी लग रहा है मुझे, या मुझसे इसका दुख सहा नहीं जा रहा। थोड़ी देर में स्टॉप कर देता हूँ वीडियो। नहीं भाई यार, मजाक कर रहा था, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, हमको बस गेम खेलने से मतलब है। अब ये बाहर चला जाएगा रो धो के। और यहाँ पे देखो क्रेटस आ गया, हमारा दोस्त, हमारा भाई, आज से ये हमारा भाई है, और जो ये बच्चा है वो हमारा भतीजा। तो पूरे गेम में मैं यहीं बोलने वाला हूँ, तो आप समझ जाना कि हमारा भतीजा और हमारा भाई, समझ गए। देखो हमारा भतीजा है ना, बहुत दुखी है, हमारी भाभी है गुजर गई है, और हमारा जो भाई है वो रंडवा, थोड़ा रंडवा टाइप हो चुका है अभी। तो दोस्तों अभी ये इसको जलाने में बहुत ही टाइम लगाने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि आप भाग जाओगे ना तो आपको पूरी कहानी पता नहीं चलेगी, और बीच में से अगर आप कहानी देखोगे ना तो आपको उतना मजा आने वाला नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं जो भी मन में आ रहा है वो मुँह बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यार वीडियो को छोड़ के भाग जाओ। वीडियो यार पूरा देखना, तभी आपको मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा, ताकि मैं इस गेम के और भी पार्ट ऐड कर सकूँ, और भी पार्ट डालने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इसने उठा लिया है अपनी बीवी को, और ये जलाने के लिए रेडी कर रहा है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हो, जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, सामने लकड़ी वकड़ी तैयार रखी है इसने, और इसके पास माचिस नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस ज़माने में माचिस नहीं होया करती थी। तो ये कैसे जलाता है ये देखना, आप भी सोच में पड़ जाओगे कि इसने कैसे जलाया। इतनी बर्फ़, आप देख सकते हो पूरा इलाका बर्फ़ का है, बहुत ठंड लग रही होगी इनको। अब देखो दोस्तों ये कुल्हाड़ी से पूरा जलाएगा, ये देखो पता नहीं किससे जला रहा है, पत्थर और कुल्हाड़ी से जला रहा है, और पूरा इसने आग लगा दिया। देखो आप कमेंट में अनाप सनाप कमेंट मत करना कि ये कुल्हाड़ी कहाँ से निकाली, देखो आपके सामने ही है, मुझे भी नहीं पता कहाँ से निकाल रहा है, पीछे ऐसे रख देता है गायब हो जाती है, और अचानक से जब ये निकालता है आ जाती है। तो दोस्तों इसने अपनी बीवी को जलाना स्टार्ट कर दिया है, और जलने तक ये वेट करने वाला नहीं है, बहुत ही हरामी बंदा है मेरा जो भाई है, मैं जानता हूँ ना उसको। अब यहाँ पे दोस्तों इसने पूरी जलती हुई यार चाकू को छू लिया, उसके हाथ में घाव बन गया, मगर ये जो हमारा भाई है वो बड़ा हरामी है, उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे नीचे जो चाकू गिर गई उसको वो वापस दे देगा उठा के, थोड़ा बर्फ़ बर्फ़ लगा के हाथ में। भाई यार देखो इसने बर्फ़ अपने लड़के के हाथ में लगा के उसका हाथ ठीक कर दिया, ऐसे अगर हाथ ठीक हो जाता तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत थी, मगर पहले जमाने में भाई दोस्तों यार डॉक्टर होते ही नहीं थे, ऐसे ही सब चीज़ ठीक हो जाती थी। यहाँ पे हमारा जो ये भाई है बड़ा जिल्ला दे। अब देखो इसकी बीवी की यहाँ पे चीता जल रही है, और ये अपने लड़के को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ से गेम अब स्टार्ट होगा, तो आगे की कहानी और आगे का गेम प्ले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर इस गेम को देख के आपको इंटरेस्ट जग रहा है तो गेम का नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखना। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जहाँ जहाँ पे हाइडन पैलेस और पजल्स आएंगे उसको मैं सोल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।